గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ శేఖర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ విత్ ట్రేడర్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎన్కేఎస్ ట్రేడింగ్ ట్రిక్స్. ఆజ్ ఆప్కో ఏక్ స్టాక్ కే బారే మే బతానా చా రహా హూం, వో భీ హమారా మేరా మేరా పారామీటర్స్ కే హిసాబ్ సే అచ్చా మ్యాచ్ హువా థా. సో మోస్ట్లీ కల్ సే ఇస్మే ట్రేడ్ కర్నే కే లియే లెవల్స్ దే రహా హూం. అభీ ప్రీవియస్ సాటర్డే మై ఏక్ ఫైవ్ స్టాక్స్ డోంట్ మిస్ 5% రిటర్న్ బోల్ కే ఏక్ వీడియో డాలా థా, 2.2K వ్యూస్ హై. సో ఆజ్సే మై సబ్ లోగోకు మై ఏ బాత్ కహనా చా రహా హూం, ఎవరిడే మేరా వీడియోస్ ఎవరిడే చెక్ కర్కే ఎవరిడే కుచ్ నయా వీడియోస్ ఆయా తో ఆప్ ఇమీడియట్లీ ఆప్ దేఖ్ లో, క్యోంకి ఆజ్సే మోస్ట్లీ మై రెగ్యులర్లీ డైలీ ట్రేడింగ్ లెవల్స్ భీ మై దే రహా హూం. ठीक है, सो ओनली पोजिशनल दे रहे बोल के ऐसा मत सोचो, क्योंकि पोजिशनल व्यू भी दे रहा हूँ और इंट्राडे भी व्यू भी देता हूँ. ठीक है, कल मैं आशिमा स्टॉक बोल के एक पोजिशनल व्यू दिया था और एमसीएक्स स्टॉक भी दिया था. एमसीएक्स हाई नाइट उठा, सो पोजिशन टिल होल्ड है और आशिमा है तो हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक बार चेक करेंगे हम लोग. सो एक्चुअली हमारा एंट्री लेवल 28 था, 27.95 था अबव 28, सो 28 आज नहीं टूटा, सो एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ. ठीक है, सो कल फाइव स्टॉक्स के बारे में मैं बताया आपको. फाइव स्टॉक्स में इंद्रप्रस्था गैस 250 बिलो सेल करना है, सो आज 250 लो बिलो नहीं आया, सो ये एंट्री नहीं हुआ. सो ओएनजीसी 153.55, सो ये बिलो टूटा, सो अभी टिल पोजिशन होल्ड है, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, 145 पुट भी होल्ड है. ओके, नेक्स्ट इंडिया सीमेंट. इंडिया सीमेंट आप चेक किया तो 5% मिल गया आज, 52 वीक लो भी डाला. आप चेक किया तो क्लियरली देखो, कल 105.35 बिलो सेल करना था हम लोग, 105.35 बिलो सेल करना था, सेल किया तो आज 5% रिटर्न, 100.08 बोले तो 100.10 पैसा आज रीच हो गया. ठीक है, या देखो आज रीच हो गया. सो स्पेशली मैं एक कॉल्स बहुत सारे पैरामीटर्स यूज करके मैं चेक करके दे रहा हूँ. सो एक स्टॉक में प्रॉफिट आया बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट एंट्री लेवल था वो. सो एक्यूरेट एंट्री लेवल के हिसाब से हम लोग ट्रेड किया तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहने के प्रॉफिट में रहते. ठीक है, सो नेक्स्ट जय कॉरपोरेशन. ये कैश का मैं बोला था, मैं लेता हूँ, कैश का लेने के बाद एक 2-3% आने के बाद मैं एग्जिट करता हूँ बोल के वीडियो में भी बोला था. अगर आपको नहीं देखा तो इमिडिएटली ये फाइव स्टॉक्स डोंट मिस 5% रिटर्न वीडियो जरूर देखना पड़े, देख लो. सो जय कॉर्प है, एक बार चेक करेंगे हम लोग. देखो यहाँ 6.34 बता रहे, एक्चुअली लो नियर बाई, सो 6 पॉइंट्स गिरा, नियरली 5% यहाँ मिल रहे हैं, मिले आज. ठीक है, नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा 11405 लेवल नाइट टूटा, एक बार आप चेक कर लो, टाइम वेस्ट क्यों करना है. ठीक है, नेक्स्ट आज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ एक ट्रेडिंग लेवल है, आज से आपको 5% रिटर्न देने वाला एक स्टॉक का नाम नाम के बारे में नाम का और लेवल्स भी हम लोग आज चेक कर रहे हैं. इसका पहले सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो इमिडिएटली यह सब्सक्राइब बटन है, यह सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बिसाइड एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक करके नोटिफिकेशन अनेबल कर लो. सो आप कोई भी मिस नहीं होते फ्यूचर में कोई नया वीडियो अपलोड किया तो. बहुत लोगों को यही देख रहे, एक वीडियो देख के बाद में कुछ भी नहीं देख रहे, अभी ये कब अपडेट किया था ऐसा पूछ रहे. सो सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा आप स्पेयर किया तो उतना नॉलेज मिलने के बहुत चांसेस रहता. सो ये ध्यान में रख के आप एवरीडे मेरा चैनल चेक कर लो. आज आपको बताना चाह रहा हूँ एक स्टॉक के बारे में, वो पेडिलेट इंडस्ट्रीज है. ये स्टॉक हमारा पैरामीटर्स हिसाब से मैच हुआ था आज.
सो वो उसका प्राइस एक्शन टेक्निकल लेवल्स कैसा है एक बार हम लोग चेक करेंगे आज। सो यूजुअली हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले 30 30 डेज एवरेज एवरेज प्राइस कितना है, 1066। सो 1066 के नीचे अभी मार्केट है। नेक्स्ट आरएसए हम लोग चेक किया तो यहाँ भी 4476 बोल, तो 50 लेवल एवरेज लेवल है ना, वो उसके नीचे है मार्केट। ओके सो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहे। सो आज भी ओपनिंग कोल्ड है डाला। सो एक इसके बारे में एक लेवल्स हम लोग चेक करेंगे आज। सो 52 वीक डाला, हाई डाला 1195 40 पैसा। इट इज लास्ट मे 30 मे 52 वीक हाई डाला, और 52 वीक लो लास्ट ईयर दिसंबर नवंबर सॉरी लास्ट नवंबर 2017 में 52 वीक लो डाला। सो आज से कंपेयर किया तो 52 को हाई से नियरली 50 पॉइंट्स मार्केट गिरा। सो फर्दर कितना फॉल रहता है एक बार हम लोग चेक करेंगे। सो यहाँ यूजुअली हम लोग क्या चेक करते हैं, ज़्यादा प्राइस वैल्यू कहाँ टच किया, यहाँ टच किया एक एक दिन, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसके बाद नीचे है मार्केट। सो 1120 1120 लेवल प्रेजेंटली रेजिस्टेंस है क्योंकि प्राइस नीचे है। सो और एक लाइन डालेंगे हम लोग यहाँ, देखो हाँ ये लेवल भी इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। सो 20 बोले तो यहाँ 60, 1060। सो 1060 रेजिस्टेंस लेवल है, इनिशियली रेजिस्टेंस लेवल। और आज का ओपन हाई चेक किया तो हम लोग 1069 1069, ठीक है नीचे है, प्राइस नीचे है, और 30 डेज एवरेज लेवल भी आज नीचे है। सो 1066 है वो। ओके यहाँ से थोड़ा लॉन्ग पीरियड डाल के हम लोग चेक करेंगे लेवल्स कैसा निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ। सो इसके पहले एक बार ट्रेंड लाइन और एक डालेंगे यहाँ से 52 वीक हाई से। सो एग्जैक्टली प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को, सो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है और लोअर हाई हायर लोस। ओके एक लो होने के बाद इमीडिएट लो सॉरी एक हाई हाई डालने के बाद इमीडिएट हाई से एक ट्रेंड लाइन डाले तो एग्जैक्टली ये लेवल 1060 1060 वेरी रेजिस्टेंस हो गया अभी। सो आज हम लोग ये लेवल आज का क्लोजिंग प्राइस एक बार चेक करेंगे। या सो टुडे लो 1036। सो आपका सेलिंग प्राइस लेवल 1036 बिलो सेल करना है, आज का हाई 1069 आपका स्टॉप लॉस है। सो 1 पॉइंट बफर रखो नीचे, ऊपर 1 पॉइंट बफर रखो स्टॉप लॉस रखने के लिए। यहाँ से कहाँ तक गिरेगा एक बार चेक करने के लिए थोड़ा लॉन्ग पीरियड हम लोग रखेंगे, 1 ईयर। सो 1 ईयर में बहुत अच्छा ट्रेंडिंग फॉर्मेशन हुआ यहाँ। आरएसए भी प्रीवियस बहुत वॉर बाट में आके, ये लेवल भी वॉर बाट में आके नीचे आया, यही इंडिकेशन है मार्केट नीचे जाने का, क्लियरली ऑब्जर्व करना है। प्रीवियस यहाँ से आरएसए देखो ये लेवल, ठीक है। सो प्रीवियस यहाँ प्राइस है तो जब वॉर बाट में आ गया, इसके बाद हाई डाला मार्केट मगर उसमें दम नहीं है, आरएसए थोड़ा नीचे नीचे जा रहा है देखो। सो यही इंडिकेशन है, 52 वीक हाई डालने के बाद भी यही आरएसए मूव नहीं कर पाया, यही इंडिकेशन है मार्केट नीचे जाने का। सो यहाँ से मार्केट देखो, या अभी आज से देखे तो प्रीवियस डे कल से दे फ्राइडे या आज ही हम लोग चेक किया तो कम्प्लीटली यहाँ बेरिश सिग्नल दिख रहे हैं एज पर आवर लेवल्स, 50 एवरेज लेवल के नीचे है अभी, ठीक है। सो एक बार ट्रेंड लाइन डाल देंगे हम लोग, ये हाई लेवल रिसेंट हाई लेवल से दूसरा हाई लेवल हम मैं टच करके डाल रहा हूँ, ठीक है। और यह बहुत कंसोलिडेट हुआ यहाँ। सो यहाँ ये लेवल बहुत कंसोलिडेट हुआ, एक्चुअली यहाँ तक हुआ। सो कंटिन्यू करना है ना, मार्केट अभी दूर है ना। सो यहाँ से
सो 1060 एंड 1120 80 पॉइंट्स है, सॉरी 60 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स बहुत कंसोलिडेट हुआ, होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, अभी प्रेजेंटली अभी नीचे है मार्केट हमारा। क्या है लेवल 1036 बिलो आप सेल करना है, 1069 स्टॉप लॉस रखना है। सो अराउंड 33 पॉइंट्स हुआ। सो कितना तक ये गिरेगा एक बार हम लोग चेक करेंगे। ये लो लेवल से एवरी टाइम अभी मैं ट्रेंड लाइन्स डाल रहा हूँ। सो ट्रेंड लाइन्स ऐसे डाल रहा हूँ एवरी वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। सो आपको आपको क्यों डाल रहा हूँ, आप भी एक चार्ट ओपन करके ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो साइड में रख के और दूसरा एक स्टॉक में ट्रेंड लाइन्स डाल के मूवमेंट कैसा आ रहा है बोल के आपको प्रेडिक्ट करना है। एक बार दो बार तीन बार ऐसा एक थ्री मंथ्स कंटिन्यूस किया समझो मार्केट आपके हैंड में आ जाएगा, ठीक है। सो ये हाई लेवल प्रीवियस हाई लेवल से भी टच किया तो यहाँ देखो ये लेवल एग्जैक्टली लेवल कर रहे। सो हमारा लेवल जो है ना वो लेवल ब्रेक किया तो डेफिनेटली ये 980 तक आएगा मार्केट। ये लेवल ब्रेक किया तो डेफिनेटली नीचे आएगा क्योंकि यह हाई लेवल से मार्केट दूसरा एक हाई लेवल टच करके ऊपर गया था ना। सो एक बार वो हाई लेवल से हाई लेवल ये हाई लेवल है, हाई लेवल के नीचे मार्केट अगर आ गया समझो, जब प्रीवियस एक स्मॉल लेवल ये भी है, ये भी टच हुआ देखो यहाँ, ये एक दिन का हाई लेवल टच हुआ और प्रीवियस एक लो लेवल टच हुआ। अब ये मार्केट बेरिश में दिख रहा है मुझको क्योंकि हमारा 30 डेज एवरेज लेवल के नीचे मार्केट मार्केट क्लोज हुआ आज, ठीक है। यहाँ से 1033 मिनिमम 5% हम लोग कैलकुलेट किया तो यहाँ से नियरली 985। सो यह देखो 985। सो यहाँ तक अभी 36 गिरा तो आपको 33 पॉइंट स्टॉप लॉस होता, स्टॉप लॉस है तो इमिडिएटली रखना है। ये लॉन्ग व्यू का नहीं है, शॉर्ट व्यू का है। सो यहाँ से अगर 1036 ब्रेक हुआ तो आपको नियरली 5 डेज के अंदर आपको 5 to 10% रिटर्न डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये लेवल भी ब्रेक किया समझो, 980 लेवल भी ब्रेक किया तो कहाँ तक आएगा वो भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। एक हाई लेवल से इमिडिएटली डाला तो सो 1100 प्राइस लेवल से भी मार्केट नीचे आने की चांसेस है। सो ऊपर जाने के चांसेस यहाँ अभी तो नहीं है। सो अगर मार्केट रिवर्सल होके अगर 1100 टच किया तो भी यहाँ से सेलिंग बन जाएगा, यहाँ से सेलिंग बन के आपको 980-985 तक आएगा। वो 985 ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ तक आएगा एक बार हम लोग वो चेक करेंगे। ये हाई लेवल से हम लोग प्रेड कर रहे हैं ना, ये हाई लेवल से हम लोग लेवल निकाल रहे हैं ना। सो ये हाई लेवल से हम लोग ये लेवल सो मुझको दिख रहा है मगर ये आएगा नहीं आएगा एक बार चेक करेंगे। प्रीवियस लो लेवल भी टच कर, सो 840 लेवल, राइट, दिस इज द मेजर सपोर्ट लेवल है क्योंकि मार्केट प्राइस ऊपर है अभी। सो नाइन मेरे लेवल्स क्या है कि 1036 लेवल बिलो हम लोग सेल करना, मैं भी सेल करता हूँ, आज भी मैं किया था जयप्रकाश का जय कॉरपोरेशन में और इसमें ONGC में भी किया था, व्हाट्सएप में मैं अपडेट किया था या यूट्यूब ट्रिक्स फोरम है ना टेलीग्राम ग्रुप में उसमें भी मैं अपडेट किया था। सो ये लेवल ब्रेक किया तो इमीडिएट फर्स्ट टारगेट आपको 980 लेवल है, 985 5% है वो, इसके नीचे अगर मार्केट हुआ तो फ्री फॉल होने के बहुत चांसेस है, यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस है 860 लेवल, ये ध्यान में रख के ट्रेड करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।